मुआवने खुसूसी तलाक पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा कि जाती मफादात की जंग लड़ती अपोजिशन हकीकी अवामी खिदमत और मुल्क की तामीर और तरक्की से न जाने क्यों खायफ है। पर्ची शहजादी को अवामी वजीर आला उस्मान मुजदार पर तनकीद से पहले कायम अली शाह और मुराद अली शाह की शक्ल में आवाम को दी गई सौगातों के बारे में सोचना चाहिए। मुआवने खुसूसी ने मजीद ये कहा कि वजीर आला उस्मान मुजदार की जेर सरपरस्ती बेशुमार मनसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसलत पीपल्स पार्टी जाती हमलों की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे। मुआवने खुसूसी तलाक पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा कि जाती मफादात की जंग लड़ती अपोजिशन हकीकी अवामी खिदमत और मुल्क की तामीर और तरक्की से न जाने क्यों खायफ है। पर्ची शहजादी को अवामी वजीर आला उस्मान मुजदार पर तनकीद से पहले कायम अली शाह और मुराद अली शाह की शक्ल में आवाम को दी गई सौगातों के बारे में सोचना चाहिए। मुआवने खुसूसी ने मजीद ये कहा कि वजीर आला उस्मान मुजदार की जेर सरपरस्ती बेशुमार मनसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसलत पीपल्स पार्टी जाती हमलों की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे। मुआवने खुसूसी तलाक पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा कि जाती मफादात की जंग लड़ती अपोजिशन हकीकी अवामी खिदमत और मुल्क की तामीर और तरक्की से न जाने क्यों खायफ है। पर्ची शहजादी को अवामी वजीर आला उस्मान मुजदार पर तनकीद से पहले कायम अली शाह और मुराद अली शाह की शक्ल में आवाम को दी गई सौगातों के बारे में सोचना चाहिए। मुआवने खुसूसी ने मजीद ये कहा कि वजीर आला उस्मान मुजदार की जेर सरपरस्ती बेशुमार मनसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसलत पीपल्स पार्टी जाती हमलों की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे।